करेंगे। हाँ बेटा। क्या हुआ ड्राइवर, कार यहाँ क्यों रोक दी? रुकिए मैं भी देखता हूँ। ड्राइवर, लगता है मैम कार खराब हो गई। अच्छा तो तुम एक काम करो, कार सही करवा के आ जाना, और घर थोड़ी ही दूर है तो हम पैदल चले जाएंगे। ठीक है मैम। ये हम पैदल जाएंगे। ज्यादा खुश मत हो, थक जाओगी। अरे बेटा धीरे चलो, वरना गिर जाओगी, लग जाएगी। डैडी, अरे ये कहाँ से उठा लिया बेटा? छोड़ो इसे, पता नहीं किसका हो। देखो मम्मा कितना अच्छा है, मैं इसे घर ले चलूंगी और मैं इसके साथ खेलूंगी। नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ले आऊंगी, छोड़ो इसे। मम्मा कितना अच्छा है। बोला ना, छोड़ो इसे। मम्मा मुझे यही चाहिए तो चाहिए। ठीक है बाबा, रख लो, चलो। अब अंदर चलें? हाँ मम्मा। नैना, 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 ओह यहाँ पे हो। मम्मा ऊपर चलते हैं। हाँ बेटा। और बेटा ठीक से पहुंच गई? हाँ माँ, आराम से पहुंच गई। और घर कैसा लगा? घर तो बहुत अच्छा है और काफी बड़ा भी है। अच्छा ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी बहुत सारा सामान भी सेट करना है और मैं थक भी बहुत गई हूँ। ठीक है बेटा, आराम से कर लो। ठीक है, बाय माँ। बाय बेटा। नैना बेटा। हाँ मम्मा। बेटा थक गई होगी, चलो थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं मम्मा, आप जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी, मुझे अभी खेलना है। ठीक है बेटा, आप खेलो, मैं जा रही हूँ आराम करने। मेरा इतना प्यारा टेडी है।
किस्सू तो टेडी है। टेडी मेरा प्यारा टेडी, मैं इसका नाम क्या रखूं? मेरा नाम रजनी है। तुम बोल भी सकती हो? अगर ये बात तुमने मम्मा को बताई तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगी और कभी बात नहीं करूंगी। तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं मम्मा को नहीं बताऊंगी। पक्का? पक्का। चावल तो बच गए हैं, अब तो कोई खाएगा भी नहीं। डस्टबिन में ही डाल देती हूँ। दरवाजा तो खुला है पर मैंने तो दरवाजा बंद किया था। चलो कोई नहीं। अरे ये बार बार कैसे खुल जाता है? यहां तो कोई नहीं है, फिर ये दरवाजा कैसे खुल जाता है? शायद हवा से खुल जाता होगा। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ तो कोई नहीं है, शायद मेरा भ्रम होगा। ये नैना भी ना सामान इधर उधर डाल देती है। मम्मा मुझे टॉयलेट आई है, चलो ना। चलो बेटा।
मैं तो यहाँ हूँ, फिर नैना किससे बात कर रही है? रश्मि तुम भी ना कितना मजाक करती रहती हो। हम चाय पी लेंगे, उसके बाद खेलने चलेंगे और फिर हम लोग स्कूल में जाएंगे। ये क्या? बेटा रूम में तो कोई नहीं है, फिर तुम किससे बातें कर रही थी? कुछ नहीं मम्मा, मैं अपनी रजनी से खेल रही थी। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ। ठीक है मम्मा। रजनी तुम यहीं पे रुको, मैं भी फ्रेश होके आती हूँ, फिर दोनों साथ में नाश्ता करेंगे। रजनी रुको, मम्मा अभी नाश्ता लेकर आ रही है। मम्मा जल्दी ले आओ नाश्ता, मैं और रजनी भूखे हैं। आई बेटा। मम्मा देखो आ रही है नाश्ता लेकर। ये लो बेटा, और चाहिए होगा तो बोल देना। ठीक है मम्मा। हेलो, रजनी अच्छा लगा ना? मम्मा और ले आओ। आई बेटा। ये लो बेटा। मम्मा एक और। इतनी जल्दी कैसे खत्म? और नैना तो इतना खाती भी नहीं है, फिर
फिर आज इसको क्या हुआ है? नैना, सच सच बताओ, कौन खा रहा है इतना सारा खाना? कहीं फेंक तो नहीं रही हो? मम्मा, मैं और रजनी खा रहे हैं। पागल हो गई हो क्या? ये डैडी के ही खाना खाता है। मम्मा, मैं सच कह रही हूँ। पागल मत बनो, अब नहीं मिलेगा। ना किससे बातें कर रही है? अच्छा रजनी, बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मेरी भी एक तुम्हारे जैसी क्यूट सी बेटी थी, पर वो अब कहाँ है? नैना, रजनी तुम जल्दी से चुप जाओ, लगता है मम्मा आ रही है। हाँ मम्मा। नैना, यहाँ पर तो कोई नहीं है, तुम किससे बातें कर रही थी? कुछ नहीं मम्मा, मैं खुद से बातें कर रही थी। अच्छा चलो अंदर। जब से तुम यहाँ आई हो पता नहीं कैसे अजीब बिहेव करती हो, कुछ समझ में नहीं आता तुम्हारा। रजनी, अब तुम बताओ, उस टाइम पे मम्मा आ गई थी, तुम्हारी बेटी कहाँ है? नैना, ये क्या पागलपन है, हमेशा इस डैडी से बात करती रहती हो। चलो चुपचाप सो चल के। मम्मा, थोड़ी देर और खेलूंगी। मैंने बोला ना, चलो चुपचाप सोने। मम्मा, रजनी कह रही है थोड़ी देर और। इस डैडी की वजह से तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनती हो, आज के बाद ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। चलो जाओ रूम में। आज तो इसे फेंक ही देती हूँ। ये कैसी आवाज है? नैना कहाँ चली गई? नैना, नैना बेटा,
नैना, नैना, कौन है? अंदर चलो। थैंक गॉड लाइट आ गई। दरवाजा तो बंद करना ही भूल गई। नैना चलो सो जाओ। जब से मैं इस घर में आई हूँ कुछ न कुछ अजीब ही होता है। क्या आपको पता है क्या हुआ था इस घर में? कुछ साल पहले इस घर में एक परिवार रहता था
और उनकी एक नौकरानी भी थी।